हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण निषाद। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले बीके के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। मैं ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन चैप्टर वाइज बताऊंगा, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाले हैं। अभी आपके पास एक वीक पूरा बचा हुआ है, एक वीक में भी अगर आपने इसको प्रॉपर पर डेज में 2 से 3 घंटा भी टाइम दिया तो भी आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊंगा इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो इम्पोर्टेंस के लिए स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल्स दूंगा आपको। मान लीजिए आप एनपीओ कर रहे हैं और एनपीओ का कोई ऐसा क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया जिसके अंदर एनपीओ की मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर हुई है, तो वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंस बन जाता है क्योंकि उस क्वेश्चन के थ्रू आपको काफ़ी सारी एडजस्टमेंट के बारे में पता चलता है और वो एडजस्टमेंट अगर किसी और क्वेश्चन में पूछती है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इम्पोर्टेंस। इस तरह से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंस बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से काफी सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप प्रॉपर वीडियोस देखते हैं स्टार्ट टू एंड तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि मैं इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के हिसाब से बताऊंगा भी कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट इन क्वेश्चन में कवर हो रही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री बहुत अच्छा आता है। मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस लिखा हुआ, ये महाराष्ट्र का गवर्नमेंट्स जो बुक्स है उसके अंदर से मैंने लिखा है। इसमें आपको कुछ सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ अनसॉल्व मिलेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो इन क्वेश्चंस में, यहाँ जितने क्वेश्चंस में नंबर लिखा हूँ, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो वीडियोज़ बनाए रहेंगे उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजिली देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहला है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री में इंपॉर्टेंट है 2, 3, 5, 6 एंड 7, ये अनसॉल्व क्वेश्चन है। अगर आप सिंगल एंट्री का उठाएंगे अनसॉल्व क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या मिलेगा, ऐसा क्या चीज था जो इंपॉर्टेंट बन गया वो क्वेश्चन। तो उसके अंदर आपको एडिशनल एसेट्स बंदे ने परचेस किया है, जिस बंदे का सिंगल एंट्री है और उसका पर्टिकुलर डेट दिया है, इसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि डेप्रिशिएशन कैसे निकालना है, कि एसेट बिगिनिंग में था और बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, उसके बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पता चलेगा कि कब आपको बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा, इन्फॉर्मेशन थियरी टाइप में दी रहेगी तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर आपको कुछ पोस्टिंग्स के बारे में पता चलेगा, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे दिया, आपने शायद नहीं सुना रहेगा, कहाँ जाएगा वो एसेट्स होता है, ऐसे टाइप की पोस्टिंग के लिए ये क्वेश्चन नंबर 5 जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग की एडजस्टमेंट मिलेगी, कि इस टाइप की ड्राइंग की एडजस्टमेंट अगर आपको आती है बोर्ड एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करोगे, वो आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने पे पता चलेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो पार्टनर्स का अगर सम आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने लाइन से लिखे हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं ना तो सिंगल एंट्री में आप 8 मार्क्स लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें सब कवर हो रहा है। ये आपको पेज नंबर 260-261 पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं फाइनल अकाउंट। स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट काफ़ी लोगों का बहुत ही जो होता है पसंदीदा चैप्टर्स होता है, मेरा खुद का है, क्योंकि बहुत मज़ा आता है सॉल्व करने में। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 इसको मैंने लिया है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट कवर हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। सबसे पहला डेटर्स का एडजस्टमेंट सारा कवर हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट टाइप्स का कवर हो रहा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक का 2 वैल्यूज है तो क्या करना वो कवर हो रहा है, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही वो भी कवर हो रहा है, इंश्योरेंस गुड्स को डिस्ट्रॉय किया या अनइंश्योरेंस गुड्स को डिस्ट्रॉय किया, गुड्स चोरी हो गया, ये सारा चीज़ कवर हो रहा है इन सारे क्वेश्चन में, तो बन जाता है ना इंपॉर्टेंस। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंस है ये आपको पेज नंबर 38 से लेकर 46 के बीच में मिलेगा। इसमें ज़्यादातर सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है, आप इनको प्रैक्टिस करो, आपको फाइनल अकाउंट में 15 आउट ऑफ 15 लाने से कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा आप क्या करोगे, अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि बीके के लिए मैंने जैसे टाइम टेबल देखा आपके पास है टाइम, आप जो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट इन चैप्टर से रिलेटेड है उनका एक छोटा सा नोट्स बनाइए और उनके 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं उसको लिखिए। जहां तक मैं जानता हूं जरूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एनपीओ में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चन है 7, 8, 13 एंड 14। मैंने सिर्फ ये 4 क्वेश्चन ही लिखा है जबकि एनपीओ बहुत ही बड़ा चैप्टर्स है। ये 4 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले में कवर हो रहा है कि अगर बिजनेस पहली बार स्टार्ट हुआ है तो क्या हो सकता है, कैपिटल फंड कैसे बन सकता है उसके अंदर।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, उसके अंदर आपको बैलेंस शीट्स के जो एक बनाई हुई रहेगी और आपको आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा, बहुत अच्छा है, मैंने देखा है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप उसमें सीख सकते हैं और बहुत सारी एडजस्टमेंट कवर हो रही है। इस तरह से 13 और 14 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थोड़ा आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में पता चलेगा, सब्सक्रिप्शन आपको कॉलम वाइज लिख के देगा तो कैसे करना है। इस चैप्टर्स में मैंने यहाँ पे जो मैंने इसमें यहाँ पे लिखा है 7, 8, 13 और 14, ये जो चैप्टर्स के मैंने जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिखे हैं, इसमें मैक्सिमम वीडियोस आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं, मतलब ये वीडियोज़ का जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये आपके लिए एकदम मैं ऐसा कह सकता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंस बनने वाला है। मैं इनमें वो सारे लिंक्स डालने वाला हूँ जो आपके लिए 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडमिशन्स एंड रिटायरमेंट का। तो एडमिशन में 1, 2, 4, 7 और 8, इसके अंदर आपको नॉर्मल सम मिलेगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आ गया तो कैसे करना है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट आया तो कैसे करना है, ये सारा अगर इस सारे क्वेश्चंस में आपको डिस्कशन मिलेंगे, मतलब एडमिशन का कुछ नहीं बचेगा अगर ये आप 1, 2, 4, 7, 8 कर लेते हैं तो। गुडविल दिया है भाई, नहीं दिया है अमाउंट, 5-6 साल का प्रॉफिट दे दिया तो कैसे निकालोगे, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। अब इनके पेज नंबर्स यहाँ साइड में लिखे हुए हैं, तो आपका फाइनल अकाउंट का 38 to 46 है, एनपीओ का 213 to 224 है, और आपका एडमिशन का 87 to 898 है, रिटायरमेंट में 1, 2, 3, ये तीन ही क्वेश्चन मैंने अनसॉल्व लिए हैं, बहुत अच्छे, अगर ये तीन कर लेते तो भी रिटायरमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज एडमिशन ही तो ऐसा है तो जो रिटायरमेंट से रिलेटेड है, आप एडमिशन करते हैं तो आप 80% रिटायरमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है जो 1, 2, 3 क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे डेथ का डिस्कशन नहीं किया है, क्यों, क्योंकि डेथ मैं ऑप्शन में लेके चलता हूँ, आप अगर डेथ को अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं लेके चल रहे हो तो आपका डेथ का आप वीडियो पे कमेंट करो, मैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बता दूंगा, अदरवाइज एडमिशन या रिटायरमेंट बस हो गया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही, सर एडमिशन ही आएगा क्या, एडमिशन ही, देखो हम ऐसा बोल नहीं सकते एडमिशन ही आएगा, अभी तक जितने पेपर हुए एडमिशन तो आया ही आया है, लेकिन मान लो नहीं आया तो रिस्क नहीं लेना, इसके लिए आप एडमिशन अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, उसके साथ में आपको रिटायरमेंट जमे तो रिटायरमेंट, डेथ जमे तो डेथ, कोई भी एक और एक्स्ट्रा देख लेना तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। पेज नंबर यहाँ पे इनके लिखे हुए हैं, प्लस डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन में 2, 3, 4, 8, 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2, 3 नॉर्मल सम, 4 और 8 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 9 वाला सम ना सबसे बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, क्योंकि इंसॉल्वेंट के बारे में सीखने मिलेगा, 8th वाला सम भी बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर आपको जो है एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज के बारे में समझ में आएगा, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड को क्या करना है। अभी बात करते हैं लास्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, फॉर्मेट के लिए जो 5 मार्क्स का फॉर्मेट आता है, इसके अंदर आपको मस्त में एकदम अच्छा इन्फॉर्मेशन है। क्यों मैं ऐसा अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 डेट्स मिलेगा, 2 अमाउंट मिलेगा, ड्रॉवर ड्रॉई के साथ में पे भी मिलने वाला है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है ये जिस फॉर्मेट वाला जिसके अंदर सारा चीज़ें इंक्लूड है, तो मेरे हिसाब से ना ये सबसे बेस्ट है, ये जिसको समझ में आ गया ना वो नॉर्मल वाला तो कर ही लेगा, ये ध्यान दे देना 269 पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 12 291 पे है, इसमें क्या है मालूम है आपको, इसके अंदर आपको ड्रॉवर ड्रॉवी दोनों का जन एंट्री है, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ट्रीटमेंट क्या है, सबका है, मतलब ये अगर आप 12वां क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो आपको मेरे को लगता नहीं दूसरा कोई क्वेश्चन करना चाहिए, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा और भी लिख के रखे हैं, मतलब 12वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला नॉर्मल सम है मगर उसके अंदर इंस्टॉलमेंट के बारे में दिया, उसके अंदर डिसऑनर के बारे में दिया, उसके अंदर आपका पार्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पेमेंट कब पार्ट पेमेंट में जाना चाहिए, कब आपका बिल ऑफ एक्सचेंज अपना सॉरी न्यू बिल में ऐड होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। हाँ, अगर सेपरेट आपको ऐसा वीडियोज़ चाहिए जिसके अंदर इंटरेस्ट के बारे में पता चले कि कब उसको पार्ट पेमेंट में ऐड करना है, कब न्यू बिल में ऐड करना है, तो इसका वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है, तो अनसॉल्व में 8, 9, 11, 12, 13 और 15, इसके अंदर जो ये जो 15 वाला है वो ABCD वाला है, तो आप रिस्क मत लेना, ABCD वाला भी कर लेना, क्योंकि 4 साल से गेसिंग चल रहा है कि ABCD वाला आएगा, हो सकता है इस बार आ जाए, तो ABCD वाला प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी भी है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ जनरल एंट्रीज आती है, लेजर नहीं आता, इनमें आपको लेजर भी एक्स्ट्रा पूछ सकता है। पेज नंबर 318 to 319 तक का है, तो ये थे हमारे एज पर 12th बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईच चैप्टर्स, तो ये थे इंपॉर्टेंस जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का वीडियो बनाओ, तो ये था इंपॉर्टेंस, और मैंने एक और वीडियोस बनाया था बीके का टाइम टेबल कैसे आपको स्टडी करनी है,
जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा कमेंट्स किया, उनको समझ में आ रहा है, वो बेनिफिटेड भी है, उसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपके लिए बेनिफिटेड हो जाएगा। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिनने भी ये सारे क्वेश्चन कर लिए उनको बीके में अच्छा स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। ये चैलेंज है मेरा, अगर आप अच्छी तरह से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, इनकी सारी एडजस्टमेंट समझ लेते हैं तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।